आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सच्चा समाजवादी यशवंत सिन्हा के साथ नहीं जाएगा, ये शिवपाल यादव का बड़ा बयान है। नेताजी पर आरोप लगाने वाले के साथ नहीं जाएंगे समाजवादी। तो आपको बता दें, वोट करने के बाद ये शिवपाल यादव का बड़ा बयान। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्तंभ शिवपाल सिंह यादव जी हैं और उनसे बात करते हैं। सर, आज चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति पद का, सबसे पहला सवाल तो यही कि कहाँ गया आपका मतदान आज? देखिए, आज देश के सर्वोच्च पद संवैधानिक पद का चुनाव होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो मेरी राय है कि ये आम सहमति से विवाद में नहीं होना चाहिए ये पद। तो ये सत्ता पक्ष विपक्ष मिल करके इस पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और फिर देखिए, जो यशवंत सिन्हा जी 85 बने हैं, इन्होंने ISI का एजेंट नेताजी को बताया है। आप लोगों के द्वारा ही मुझे सूचना मिली है। उस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी तो नेताजी ने जवाब दिया था कि अगर युद्ध होगा फिर हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, दुश्मन की धरती पर युद्ध होगा। ये नेताजी। और फिर नेताजी जब जब लोकसभा में रहे हैं आज भी हैं, लेकिन जब जब आतंकवादियों के सवाल आया है, उस समय नेताजी भले विपक्ष में रहे हों, सत्ता पक्ष में चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों चाहे BJP के लोग रहे हों, तो उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को ख़त्म होना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए, हम सत्ता पक्ष के साथ हैं, इस लड़ाई में सत्ता पक्ष के साथ है। और उन्हीं पर लोगों ने स्थापित किया है और हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को कहाँ तक पहुँचाया है नेताजी के साथ 40-45 साल में कहाँ पहुँचाया है और आज स्थिति क्या है। और अगर इसी तरीके के सुझाव हम लोगों से लिए गए होते हैं और अगर पार्टी नेताजी के आदर्शों पर चली होती, नेताजी के विचारों पर चली होती, लोहिया जी के विचारों पर चली होती, जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों पर चली होती, तो फिर आज उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादियों की सरकार होती।